टिकट कटने के बाद कई कांग्रेस नेताओं के बगावती सुर तेज हो गए हैं। अब इस लिस्ट में जालंधर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह केपी का नाम भी शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि टिकट कटने के बाद महेंद्र सिंह केपी जल्द हाथ का साथ छोड़ सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने घर पर अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जल्द बड़ा फैसला लेने पर चर्चा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर बार कांग्रेस हाईकमान केपी परिवार को दरकिनार करता है। कांग्रेस के लिए उनके परिवार ने कई कुर्बानियां दी। देखो, मैनू तो आप बड़ी हैरानी होंगी है कि जदों भी इलेक्शन होंगे उदों ही केपी परिवार जरा किसी ना किसी तरीके टारगेट होंगे, चाहे उन्होंने शिफ्ट करना हो, चाहे वो टिकट कट्टनी हो, चाहे कोई होर, मैं तो एक किस्म का कह ही सकता भी सजा देनी हो, केपी परिवार को जी दी जाती है। साढ़े परिवार ने कुर्बानियां दतिया, मेरे फादर ने कुर्बानी दी, टैररिस्ट विक्टिम होए, मेरा बेटा 4.5 साल का सगा बचा हो गया। तो दूजे पासे वो परिवार इतने तुरे फिरते हैं जिन्हों की कोई कुर्बानी नहीं, उन्होंने 3-3 टिकटा दे रहे। पार्लीमेंट भी मेरी कट्टी, मैं जितया जलंधर तो लोग सभा का मैंबर, मैंने पार्टी ने कहा हुशियारपुर लड़, मैं हुशियारपुर लड़ लिया। मैंने कहा तू आदमपुर लड़, मैं आदमपुर लड़ लिया। मैंने उन्होंने पिछली लोग सभा की टिकट डिनाई कर दी। हूँ मैं 5 साल आदमपुर के काम किया, तो हूँ मैं कहते तुझे आदमपुर तो भी नहीं लड़ना। वो बंदे नूं लिया के टिकट देती है 20 दिन पहला कांग्रेस शामिल होया BSP दे विचों आण के, और जिहड़े जद्दी पुश्ती कांग्रेसी उन्हां दीआं तुसीं टिकटां कर रहे हो। मैं समझदा कि इदू मंदभागा फैसला कांग्रेस पार्टी लई कदे नहीं हो सकता। की लगदा तुहानूं तुहाडी टिकट बार-बार कट्टण पिछे किहदा हाथ है? हाथ तां मैं हुण किसे दा की कह सकदा आं, मेरी तां जां तां मेरी पॉपुलैरिटी तों उहनां किसे नूं जैलसी है, जां मैनूं जदों वी कहिंदे तुसीं शरीफ बहुते आ, जां मैनूं इह दूसरे तरीके नाल शराफत दी ओड लै के मैनूं प्रताड़ित करना चाहुंदे आ। तो असीं देखो हमेशा ही कांग्रेस के नाल जुड़े रहे हैं। जे कांग्रेस धक्का करदी है कढ़दी है तो कोई गल नहीं, नठदियां नूं वाहन इक्को जिहे हुंदे आ, 100 रस्ते आ। पिछली वारी टिकट कट्टी गई सी, कैप्टन साहब आप आए सी तुहानूं मिलाउण वास्ते, ऐड की हजे तिकर कोई नहीं बोलिया हैगा, पर जे गल करिए नेक्स्ट स्टेप तुहाडा की हैगा, पार्टी वल्लों ही जां कुछ करोगे जां नहीं? देखो मैं जिवें तुहानूं पहलां ही बेनती कीती है वी मैं इलैक्शन जरूर लड़ना। 1967 तो कोई ऐसा इलैक्शन नहीं जिहदे च KP परिवार ने शिरकत ना की होवे। जरूर लड़ांगे, फैसला मेरे जिहड़े साथी है ओह करनगे कि किहड़ी पार्टी तों लड़ना, कदों लड़ना, कित्थों लड़ना। बता दें कि महेंद्र सिंह केपी पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे, लेकिन इलेक्शन हार गए थे, उन्हें पवन कुमार टीनू ने हराया था। वहीं दूसरी ओर जब महेंद्र सिंह केपी के बगावती सुर दिखे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका उन्हें मनाने पहुंचे और कहा कि कांग्रेस ने टिकट ना देकर गलती की है। महेंद्र सिंह केपी नाराज चल रहे ने सीट मिलन तो, ते तुही भी पहुंचे उन्होंने गलबात की थी मीटिंग भी? मैं तो मेरा परिवार है, अपने घर के मैं आया, अपने साथियों ने मिलने वास्ते आया, और अगर इन्हों की कोई गुरमैसेज है, इन्हों की शिकायत है, मेरा फर्ज बनता है कि इन्हों गल करा, सो इन्हों गल करना है। मैं तो गल की उन्होंने कहना है सीट ना मिलेंगे, कल इन्हों का फैसला होगा, सारे वर्करा के एक मीटिंग की जाएगी, कल फैसला किया जाएगा कि पार्टी तो सीट लगे। महेंद्र सिंह KP कुर्बानियाँ देने वाला परिवार है जिन्हें कांग्रेस की खातर शहादत दी है, तो टिकट शहादत तो बड़ी नहीं होंगी, और ये शख्स कट्टिया जाएगा वड्डिया जाएगा, कांग्रेस नहीं छड़ेगा, ये मैं कह रहा। फिर पार्टी वालों की मैं कहा पार्टी की गलती है, पार्टी अपनी गलती सुधारेगी, ये मैं कह रहा। बता दें कि महेंद्र सिंह KP मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो KP आदमपुर और डेरा बल्ला में उनके दौरों के दौरान उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान अंतिम वक्त में इस क्षेत्र के कई दौरे किए और कई सौगातें भी इस क्षेत्र को दी। इससे राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं चल निकली थी कि इस बार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब के साथ साथ आदमपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सुखविंदर सिंह कोटली को टिकट दे दिया, जो पिछले महीने ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।